तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको सामने लैंडिंग अभी जो दिख रहा है, पहले एक ही बनाया था मैंने जिसका वीडियो अपलोड कर दिया था। तो फाइनली आज हमारा दोनों लैंडिंग कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद भी देख सकते हो आप, कोटा नीचे लगाया गया था जो कि कोटे का टप्पा है, अभी साफ सफाई बाकी है उसका, लेकिन लैंडिंग मैंने क्लीन कर दी है। उसके बाद आपको दिखा भी देता हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद टप्पे में देख सकते हो कुछ इस तरह से ग्राइंडर से डिजाइन बनाया गया है। और उस डिजाइन से दो फायदा होगा, एक तो थोड़ा रफ रहेगा, आगे पैर फिसलेगा नहीं, और दूसरा डिजाइन भी बन गया है। उसके बाद लैंडिंग कुछ इस तरह से हमारा बन गया था दोनों। पहले एक बना था, दीवार पे कलर वगैरह बाकी था तो उसका लुक अलग था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कलर वगैरह हो चुका है। तो अभी ये लैंडिंग का डिजाइन भी अच्छा दिख रहा है। अभी मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल कर रखा है, अभी नॉर्मल एंगल में आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा नॉर्मल एंगल है, जिस तरह से हम कैमरे से शूट करते हैं वही वाला एंगल है। अभी आप देख सकते हो किस तरह से ग्रेनाइट की पट्टी जो मैंने बताई थी 1 इंच की, वो आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में जो बीच में टाइल्स था वो भी आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। और बाकी चारों तरफ से जो टाइल्स लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आशा करता हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बनाने में टाइम भी बहुत गया है। अब ये दो डिज़ाइन बनाने में 1 दिन लग गया, पूरा पूरा का पूरा 1 दिन लग चुका है दो ही डिज़ाइन बनाने में। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ऐसा डिज़ाइन तैयार करने में कितना टाइम लगेगा अगर आप तैयार करते हो तो। आशा करता हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।